So my dear student, welcome to the another session of Pulse Biology. और हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग वायरल डिजीज कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में आज हम लोग एक नया डिजीज लेके पढ़ेंगे। तो दिस इज द हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, जिसमें हम लोग जो डिजीज पढ़ रहा है दैट डिजीज आर हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर NTSC एग्जामिनेशन, NTSC ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड, नीट, नेट, JRF, UPSC ऑल एग्जाम के लिए एंटर हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लास लिए, हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बाद कॉलेरा हम लोग डिस्कस किए, हम लोग टिटेनस डिस्कस किए और आज जो डिजीज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो डिजीज है लेप्रोसी। माय डियर स्टूडेंट, लेप्रोसी जो है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, तो आज के इस क्लास लेप्रोसी का ये फाइनल अल्टीमेट क्लास, जितना क्लासेस हेल्थ एंड डिजीज में दे रहा है सारे के नोट्स सही तरीके से रखना है। ये आपको अप टू UPSC एग्जाम तक कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली इतना ही पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। लेप्रोसी के बारे में जब हम बताएंगे तब दिमाग में ये चीज आते है कि जे हैंसेन बोल के एक साइंटिस्ट है, जिसके नाम नहीं बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा और अपराध नहीं कर सकते मैं, दैट इज हैंसेन। यही जो हैंसेन है, यही हैंसेन ने ये डिजीज को आइडेंटिफाई किए थे, इसके लिए लेप्रोसी को हम लोग हैंसेन डिजीज के रूप में भी जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सो लेप्रोसी इज नथिंग, इसका जो कॉमन नेम है, मैं हर एक डिजीज में कॉमन नेम कौन ऑर्गेनिज्म से होते हैं, बॉडी का कौन पार्ट्स में होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होता है, कैसे डिजीज फैल रहा है और उसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं और कोई एडवाइस इसमें है कि नहीं, सारे चीज डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट पैकेज में एंड दैट इज लेप्रोसी। हैंसेन्स डिजीज क्यों बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने हैंसेन बोल के एक साइंटिस्ट ने डिजीज को देखा था। ये डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है, आप सबको पता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है इसका पैथोजन। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट इज पैथोजन, एंड पैथोजन कौन है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सो लेप्रोसी हो रहा है, सो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अभी क्वेश्चन है हमारा बॉडी का कौन पोर्शन में लेप्रोसी ज्यादा होने का चांसेस है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग देखें स्किन में लेप्रोसी होते हैं, स्किन में ज्यादा चांसेस है और आई में ज्यादा चांसेस है, इवन इन दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो द पार्ट इफेक्टेड, parts affected in our body, parts affected कौन कौन है, skin, हमारा है eye and upper respiratory part, upper respiratory tract. So these are the parts infected my dear students, so please write it down, what are the parts infected। दो ये जो डिजीज है इसमें हैंसेन्स डिजीज, दिस इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड इसमें स्किन आई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहा है। स्किन आई एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर जाओ, सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, सो दैट वी कैन कंप्लीट द लेप्रोसी टूडे। एंड इन दिस लेप्रोसी क्या देख रहा है, जे स्किन आई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली इसमें इफेक्ट हो रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। अभी है कैसे ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है, ये जो लेप्रोसी है हाउ द डिजीज स्प्रेड,
नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज का कैसे स्प्रेड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन माय डियर स्टूडेंट। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम जानते हैं कि मोस्टली ये जो डिजीज है, ये डिजीज कैसे आते हैं ना, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस इन्फेक्टेड पर्सन का नेजल डिस्चार्ज के थ्रू, काफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, इवन कभी कभी टॉकिंग के थ्रू भी ये चीज़ आ सकता है। अगर उनसे बात करें बहुत क्लोजली जाके, डिस्टेंस फॉलो नहीं करके, तभी ये डिजीज होने का चांसेस है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो भी बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री हमारे बॉडी में कैसे आएंगे, बाय नेजल डिस्चार्ज। सो द बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड थ्रू, नंबर वन नेजल डिस्चार्ज के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नंबर टू काफिंग के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नंबर थ्री स्नीजिंग के थ्रू होता है। नंबर फोर इवन स्पीकिंग के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, माय डियर स्टूडेंट। सो दिस आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। दिस आर द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, दैट हाउ द डिजीज आर ट्रांसमिटेड, दैट हाउ द डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, कैसे ट्रांसमिट होगा ये हम लोग देखे। अभी बात है ये जो डिजीज ट्रांसमिट हुआ, इस डिजीज ट्रांसमिट हुआ थ्रू नेजल डिस्चार्ज, काफिंग, स्नीजिंग के थ्रू, और इवन जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो इन्फेक्टेड पर्सन जब बात करता है बहुत क्लोजली आके, उसके थ्रू भी ये माइकोबैक्टीरियम ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, ये होने का चांसेस है। तो इसके लिए, इस डिजीज से, लेप्रोसी से बचने के लिए आप ध्यान से देखिए, COVID-19 का इस सिचुएशन में हमने हेल्थ एंड डिजीज जैसा चैप्टर को उठाया, और हेल्थ एंड डिजीज में इतना सारे जो भी डिजीज कम्युनिकेबल पर रहा है उसके बारे में बता रहा है। सो दैट एक साइड से जैसे आपका स्टार्टिंग फ्रॉम दी NTSC ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड, नीट, नेट, GRF, UPSC का भी कोचिंग हो जा रहा है, एट द सेम टाइम ए लाइफ सेविंग है, ये इंफॉर्मेशन हमारा डे टू डे लाइफ में भी काम में आएंगे। तो इट इज द ड्यूअल बेनिफिट टू डू ऑल दिस क्लासेस, इससे सोशल अवेयरनेस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो डिजीज इसी तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। अभी क्वेश्चन है, जो डिजीज ट्रांसमिट हो चुके, जो एक हेल्दी पर्सन के पास आ चुके, वो हेल्दी पर्सन का आई को इफेक्ट करेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, मोस्टली स्किन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि लेप्रोसी होने से हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, बिकॉज मोस्टली इट इज़ ए स्किन रिलेटेड डिजीज। क्योंकि क्या सिम्टम्स आएंगे अगर हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे ये स्किन रिलेटेड डिजीज है। माय डियर स्टूडेंट, मेरा स्किन के ऊपर एक रेड कलर देख रहे हो, इधर मैं और एक तो ब्लैक कलर कर दे रहा हूं, और इधर भी ब्लैक कलर कर दे रहा हूं। सो देखो, दिस इज ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक, तो ये हो रहा है, एक कौन है, एक पैचेस हो रहा है, ब्लैक का पैचेस, रेड का पैचेस, ब्लैक का पैचेस। तो अगर हम लोग पेशेंट का स्किन को देखेंगे तो लाइट कलर का पैचेस आएगा स्किन के अंदर, और इसका जो नर्व्स है इसका थिकनिंग होगा पेशेंट के पास, किंतु लॉस ऑफ सेंसेशन, एंटायरली लॉस ऑफ सेंसेशन पेशेंट के अंदर देखा जाएगा। पेशेंट को अगर आप ठंडा पानी भी देते हैं, पेशेंट को अगर आप ठंडा पानी
पानी भी देते तो उसका ठंडा गर्मी का पता नहीं चलेगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो स्किन का जो पोर्शन में ये लेप्रोसी होते हैं उसका सेंसेशन नहीं रहते। अगर वहाँ पे एक नीडल लाके मैं यहाँ पे मारता हूँ तब भी इसको पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन नहीं रहते। इसका स्किन के ऊपर अल्सर हो सकता है, थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर आएगा, लेकिन ये जो आँख बंद नहीं हो रहा है, आँख अगर ऑलवेज ओपन करके रह रहा है तो बाहर का डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा आँख के ऊपर आएगा, धीरे धीरे इससे रेटिना इफेक्ट हो सकता है, कॉन्जंक्टिवाइटिस हो सकता है, रेडिस आई हो सकता है, आई का डिसऑर्डर भी आ सकता है। तो ये तो था एज ए होल मैंने बताया कि लेप्रोसी में क्या क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो चलो कंसंट्रेट करते हैं सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी में। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, प्लीज राइट डाउन सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी। ये जो लेप्रोसी का सिम्टम्स लेके आए हैं, इसमें फर्स्ट मैंने क्या बोले, लाइट कलर पैचेस हो रहा है ऑन द स्किन। सो लाइट कलर्ड पैचेस ऑन द स्किन, लाइट कलर पैचेस ऑन द स्किन, देन क्या बोले, थिकनिंग ऑफ नर्व्स। मैंने नर्व्स थिकनिंग्स का बात किए थे माय डियर स्टूडेंट, और बोले लॉस ऑफ सेंसेशन टोटली बा पार्शियली हो सकता है। तो टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन इसमें होगा। टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन इसको क्या होगा ना, कोल्ड एंड नो डिफरेंस, नो पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट, पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट, पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट कोल्ड कोल्ड एंड हॉट, पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे सेंसेशन नहीं रहेगा माय डियर स्टूडेंट। फीवर होगा, अल्सर होगा, फीवर आएगा, नंबर 6 पॉइंट अल्सर होगा। एंड मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात किए थे जे इसका जो आई है, आई बंद नहीं होगा। सो आई रिलेटेड डिजीज लिख देता हूं, आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स, आई रिलेटेड डिसऑर्डर ऑल्सो अराइज इन दिस लेप्रोसी माय डियर स्टूडेंट। सो प्लीज राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज लेप्रोसी। प्लीज राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज लेप्रोसी। अभी ये जो लेप्रोसी हो रहा है इसमें क्या चीज हो रहा है ना, लेप्रोसी में हम देख रहे हैं, देखो बोर्ड से हट गए सो दैट यू कैन राइट इट बेटर। तो फर्स्ट वन इज लाइट कलर्ड पैचेस ऑन द स्किन, मैंने पहले ही बोले थे लाइट कलर पैचेस आएगा स्किन में, थिकनिंग ऑफ द नर्व्स, नर्व्स का थिकनिंग होगा, पेशेंट में स्किन में कोई सेंसेशन नहीं रहेंगे, उसका ठंडा गर्मी को डिफरेंशिएशन पेशेंट नहीं कर पाएंगे। एंड जो जगह में इट नेवर दे विल हैव सम फीवर, अल्सर होगा स्किन में, एंड जो आई है आई को बंद नहीं कर पाएगा, तो आई को बंद नहीं कर पाएंगे आई लिड्स को, तो इससे बाहर का डस्ट पार्टिकल्स आई के अंदर जा सकते हैं, कॉन्जंक्टिवाइटिस हो सकता है, रेटिना इफेक्ट हो सकता है, आई डिसऑर्डर हो सकता है, सो ये सारे साइड इफेक्ट है, ये भी हो सकता है। अभी ये जो सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आएगा, और कोई पर्टिकुलर स्किन का कोई पोर्शन जिसमें सेंसेशन नहीं रहेगा,
तो कैसे पता चलेगा? जब हम डायग्नोसिस करेंगे तब देखेंगे, हमारा स्किन टेस्ट करके ये पता चलता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री का पोर्शन लेके स्किन में पार्शियली इसको इंजेक्ट करता है, सुपरफिशियली इंजेक्ट करने से स्किन के ऊपर लाइट नेटिव्स देके, तो उसमें अगर देखा जाए कि वो जो एरिया है वो एरिया में सेंसेशन नहीं रहते आफ्टर सम टाइम, तो इस केस टेस्ट से पता चलता है कि नहीं, पेशेंट के अंदर ये डिजीज लेप्रोसी है। तो कहने का मतलब है ये जो लेप्रोसी हो रहा है, जो सिम्टम्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ये सिम्टम्स एंड जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात किए, इससे अगर बचना है तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस मैंने बताया स्किन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर ये डायग्नोसिस कर लिए तो कौन पेशेंट का ज्यादा रिस्क है लेप्रोसी होने का? लेप्रोसी होने का सबसे ज्यादा जो रिस्क छोटा बच्चा में है, बिकॉज द मोर लेप्रोसी इज प्रोन टू द स्मॉल बेबी में ज्यादा चांसेस है। एंड जो इसके लिए कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड हो गया तो उसको तुरंत आइसोलेट करना चाहिए, उसको तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट वहाँ से डिजीज को स्प्रेड नहीं हो, एज बिकॉज इट इज़ ए कॉम्युनिकेबल डिजीज, सो ये डिजीज स्प्रेड नहीं हो, तुरंत उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए, सो दैट ये पेशेंट किसका ज़्यादा रिस्क है होने का। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल हु हैव हायर रिस्क ऑफ लेप्रोसी। हम कोविड 19 में देखे कि 5 टाइप का पेशेंट का ज़्यादा रिस्क है लेप्रोस कोविड 19 और कोरोना होने का। इसके लिए हमने हमारा जो कोरोना का सीरीज में क्लास लिए थे उस क्लास को जाके देखिए, दैट पीपल जिसका ज़्यादा रिस्क है कोविड 19 होने का उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे नॉलेज होगा एंड इस कोविड 19 से बचने के लिए वो एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। पहले से अगर हम लोग जानते हैं कि हमारा परिवार में किसी का कोविड 19 होने का चांस है कि नहीं है, वो रिक्स जोन में आते कि नहीं है, इसके लिए वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, उस क्लास को जरूर करना चाहिए। दैट पीपल हैविंग हायर रिक्स ऑफ कोविड 19, दैट वाज द क्लास। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट ए जो स्किन टेस्ट हो रहा है डायग्नोसिस में हम लोग स्किन टेस्ट करके पता कर लेंगे, जे स्किन टेस्ट करके पता कर लेंगे कि जे उसका वो डिजीज हुआ कि नहीं, सो दैट इज़ द डायग्नोसिस। अभी बात है अगर उस पेशेंट को लेप्रोसी हुआ है तो क्या कर सकता है, पहले है कि किसका ज़्यादा रिक्स है, हायर रिक्स किसका है, हायर रिक्स है स्मॉल चिल्ड्रन का, ज़्यादा रिक्स है स्मॉल चिल्ड्रन का, ज़्यादा रिक्स है। इसके लिए एज पर द प्रिवेंशन इज कॉन्सर्न, फास्ट हमको क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द लेप्रोसी, व्हिच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, बिकॉज इस ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा एंटीबायोटिक यूज हो रहा है। हम जानते हैं कि मोस्टली जो लेप्रोसी पेशेंट है इसको जो ट्रीटमेंट होता है वो DDS देके होता है, दैट इज डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन, सो DDS से होता है डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन सर, दैट इज DDS। मोस्टली दिस ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ट्रीटेड विथ दिस। सो दिस मेडिसिन से सबसे ज़्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज डायमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन और डी डी एस। माई डियर स्टूडेंट,
लेकिन बात है ए डी डी एस जब हम लोग देंगे एंटीबायोटिक देंगे कितना दिन देना पड़ेगा, कितना दिन का कोर्स होगा, 6 महीने से 1 साल चल सकता है, कोई कोई पेशेंट का तो 2 साल भी हो सकता है। 6 महीने से थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, 6 मंथ टू 1 ईयर तक इस मेडिसिन को खाना पड़ेगा। इसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक का नाम मैं बताऊंगा जो इस लेप्रोसी के लिए रामबाण हो सकता है, और उसमें सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है द डैप्सोन। डैप्सोन इज ए गुड ऑप्शन, डैप्सोन इज ए गुड ऑप्शन। एंड अगर हम लोग देखें रिफामपिसिन हम लोग यूज किए थे कि इसमें आइसोनियाजाइड रिफामपिसिन डॉट में डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस में, यहाँ पे हम लोग रिफामपिन दे सकते हैं। रिफामपिन इज द अनदर गुड जेनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, वेरी गुड एंटीबायोटिक। और इसके ऊपर हम लोग ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग दे सकते हैं ओफ्लॉक्सासिन। एंड मैक्रोलिड्स इज द अनदर चॉइस, मैक्रोलिड्स इज द अनदर चॉइस माय डियर स्टूडेंट। सो दीज आर द बेस्ट एंटीबायोटिक। लेकिन कभी कभी खाली एंटीबायोटिक देने से भी काम नहीं होता, लेप्रोसी पेशेंट को कोरा स्टेरॉइड का जरूरत है, तो पेडनिसोलोन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेरॉइड। सो वी कैन यूज द पेडनिसोलोन अगर पेन होगा पेडनिसोलोन हम लोग यूज कर सकते हैं स्टेरॉइडल ड्रग। आप लोग जानते हो पेडनिसोलोन कहाँ से मिलता है ना, डायोस्कोरिया रेवोल्यूटा। एंड डायोस्कोरिया जो है डायोस्कोरिया का डिफरेंट वैरायटी इंडिया में होते हैं, इस डायोस्कोरिया रेवोल्यूटा इससे एक चीज़ मिलता है जिसको बोलते हैं डायोसजेनिन। एंड डायोसजेनिन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ दिस पेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, बिक्लोमेथासोन, ट्रायामसोलोन, जितना टाइप का हम लोग यूज करते हैं स्टेरॉयडल ड्रग्स, आइदर इट इज पेडनिसोलोन और बीटामेथासोन और बिक्लोमेथासोन और ट्रायामसोलोन, ये सारे जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है, ये सारे स्टेरॉयडल ड्रग्स मिलता है डायोसजेनिन से। एंड डायोसजेनिन कहाँ से आते हैं, ऑल ऑफ यू नो डायोस्कोरिया रेवोल्यूटा। और डायोस्कोरिया स्पीसीज लिख देते हैं, देयर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डायोस्कोरिया, एंड फ्रॉम दैट डायोस्कोरिया डायोसजेनिन विल कम। एंड फ्रॉम दिस डायोसजेनिन जितना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं जे स्टेरॉयडल ड्रग, दिस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द स्टेरॉयडल ड्रग माय डियर स्टूडेंट। सो ये जो एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक के अंदर डैप्सोन इज द गुड चॉइस, रिफामपिन इज द गुड चॉइस, ओफ्लॉक्सासिन एंड मैक्रोलिड्स इज द गुड चॉइस। बट मैंने बोला कि अलोंग विद द डायामिनो डायफिनाइल साइफोन और डीडीएस, along with the DDS and these antibiotics, हमको use करना पड़ेगा कुछ steroidal drugs. Steroidal drugs use करने से उसके जो pain और related problem solve होगा, तो ये भी use करना पड़ेगा। But the question is, ये steroidal drug किंतु 1 year continue नहीं होगा, my dear student. Please write down the name. Steroidal drugs किंतु 1 year continue नहीं होगा, my dear student. स्टेरॉयडल ड्रग्स कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन एंटीबायोटिक कंटिन्यू होगा, लेकिन स्टेरॉयडल ड्रग्स किंतु एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ज़्यादा टाइम अगर स्टेरॉयडल ड्रग्स हम लोग लेते हैं, सो इट हैज़ मेनी बैड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट फॉर आवर बॉडी। सो दिस इज दी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेप्रोसी। लेप्रोसी के बारे में इतना पढ़ने से इज मोर देन एनफ। सो लेप्रोसी में हमने इतना सारे चीज़ बताया। अभी इस एंटायर लेप्रोसी को अगर हम लोग देखते हैं तो माई डियर स्टूडेंट व्हाट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी इज नथिंग बट ए स्किन डिसऑर्डर जिसमें स्किन में ज़्यादा होने का चांसेस है। एंड हैंसन बोल के एक साइंटिस्ट ने, आई थिंक यू हैव रिटन एवरीथिंग, ओके। सो हैंसन बोल के, मैं सारे चीज़ को 3 मिनट में दिमाग में डाल दे रहा हूँ। हैंसन बोल के एक साइंटिस्ट पहले बार इसका डिटेल्स लेके आए थे, और उसके बाद माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये इस डिजीज का कौन है, ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेन है।
कौन पार्ट इफेक्ट हो रहा है, आई इफेक्ट हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहा है, मोस्टली स्किन इफेक्ट हो रहा है, माय डियर स्टूडेंट, कैसे ट्रांसमिट होगा डिजीज कॉन्टामिनेटेड पर्सन से ये जो हेल्दी पर्सन में, बाय नेजल डिस्चार्ज जा सकते हैं, बाय कॉफिंग जा सकते हैं, बाय स्नीजिंग जा सकते हैं, इवन बात करने से भी जा सकता है, इवन बात करने से भी जा सकता है। और उसके बाद हमने सिम्टम्स क्या बोला, लाइट कलर्ड पैचेस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर लाइट कलर पैचेस हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ द नाक्स हो जाएगा, ये जो एरिया है ना पार्शियल और नहीं तो टोटली लॉस ऑफ सेंसेशन, तुमको पता ही नहीं चलेगा जहाँ पे लेप्रोसी होगा वहाँ पे ठंडा गर्म कुछ मारने से भी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं, कोई मार देने से भी पता नहीं चलेगा, फीवर होगा, अल्सर होगा, अगर आग बंद नहीं हो सकते तो आग के थ्रू डस्ट पार्टिकल जाके भी डिफरेंट बीमारी हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 साल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैं बता दूं, इसके इंक्यूबेशन पीरियड मैंने नहीं बताया था, इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग है, 4 से 5 साल टाइम लगता है माय डियर स्टूडेंट। आज पता नहीं चलेगा, आज कुछ लेप्रोसी पेशेंट के पास आपने किया, आपको 2-3-4-5 महीना 6 महीना में कुछ नहीं हुआ, आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा कभी लेप्रोसी नहीं होगा, इवन द लेप्रोसी में अपीयर अप टू द 20 इयर्स, 20 इयर्स के बाद भी लेप्रोसी हो सकता है, ऐसे भी देखा गया माय डियर स्टूडेंट, वेरी डेंजरस। तो जो डिजीज तुरंत होता है वो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन जो बाद में होता है, तो ह्यूमन बींग को अगर 4 साल के बाद भी होगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि 4 साल पहले मैं किससे मिले थे, पता ही नहीं चलेगा, थोड़े याद रहते हैं। तो कहने का मतलब है 4 से 5 साल इसके इंक्यूबेशन पीरियड है। इवन ये देखा गया है कि ये जो लेप्रोसी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है माय डियर स्टूडेंट ना, ये 20 इयर्स तक भी जा सकता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसी तरीके से ये एक बहुत डेंजरस बीमारी है, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होगा हमने बताया, और इसमें इसमें थिकनिंग ऑफ द नर्व्स होगा, लाइट कलर पैचेस होगा स्किन में, पार्शियल सेंसेशन चला जाएगा टोटली व पार्शियली, आँख में डिजीज होगा, अल्सर होगा स्किन में, फीवर होगा, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड था। अगर इससे बचना है तो छोटा बच्चे को ज़्यादा बचाना है, उसका ज़्यादा होने का चांसेस है, पर्सन को आइसोलेट करना है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको सबसे मिलना जुलना नहीं अलाउ करना चाहिए। और इससे बचने के लिए हमारे पास है डेप्सो, हमारे पास है डीडीएस, दैट डीडीएस डाइअमाइनो डाइफिनाइल साइफोन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग डेप्सोन यूज करेंगे, रिफाम्पिन यूज करेंगे, उधर रिफाम्पिन यूज किए थे, कहां पे रिफाम्पिसिन यूज किए थे, हम लोग यूज किए थे ट्यूबरक्लोसिस में, ओफ्लॉक्सेसिन यूज करेंगे, और मैक्रोलाइड्स यूज करेंगे, पेडनिसोलोन बीटामेथासोन बिक्लामेथासोन ट्रायामसोलोन, ये सब जो स्टेराइडल ड्रग्स है, पेडनिसोलोन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेराइडल ड्रग्स जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, फॉर्मवेयर द पेडनिसोलोन इज ऑब्टेन माय डियर स्टूडेंट, हमने बोला डायस्कोरिया प्लांट, अपने पढ़ चुके हैं ना प्लांट मॉर्फोलॉजी में, बुलबिल बुलबिल याद है, बुलबिल पढ़े थे, एक प्लांट्स में वेजिटेबल रिप्रोडक्शन हुआ था, ये प्लांट है, लीव्स है, लीफ के पास एक तो राउंड स्ट्रक्चर होगा, दिस आर द रूट, ये जो एक्साइल है इधर अरे तो लीव्स है, मैं अच्छे से दिखाई देता हूं, चलो ये जो लीव्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन है थीटा, तो इसके अंदर से निकलते हैं बुलबिल, बुलबिल ये जो बुलबिल है, ये बुलबिल BULBIL बारबिल नहीं, बुलबिल, ये बुलबिल नीचे गिरेगा एंड इस बुलबिल से होगा न्यू प्लांट। कहाँ पे देखा जाता है इसको, ईस्टर्न इंडिया में बोलते हैं खम्बो आलू, मिट्टी का आलू बोलते हैं, आलू तो सब मिट्टी में ही होता है, लेकिन ये इरेगुलरली शेप्ड बड़ा बड़ा ब्लैक कलर देखा जाता है, मार्केट में मिलता है, दिस इज कॉल्ड दिस आलू and this is bulbil, the plant is Dioscorea, plant is Dioscorea and that is vegetatively propagated by the bulbil, and this Dioscorea जो है उसका जो आलू हम लोग खाते हैं white color थोड़ा सा slippery, and is
आलू से अगर हम लोग पाउडर बनाएंगे दैट इज कॉल्ड डायोजेनिन एंड डायोजेनिन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द पेडनिसोलोन बीटामेथासोन बिक्लोमेथासोन ये सारे आप लोग बेटनाबेट सी यूज किए होंगे तो एन यूज किए होंगे नियोमाइसिन उसमें भी देखिए लिखा होगा बिक्लोमेथासोन बीटामेथासोन ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है इसी प्लांट से ऑब्टेंड होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये तो था लेप्रोसी के बारे में हमने जो बात बोला तो लेप्रोसी के बारे में हमको इतना पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से क्योंकि लेप्रोसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं डियर स्टूडेंट अभी जो हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहा हूँ इस हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जितना हम लोग वायरल डिजीज पढ़ चुके हैं टच करके सारे वायरल डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग और जितना बैक्टीरियल डिजीज हम लोग पढ़ रहा है एक एक डिजीज को हम लोग एलाबोरेटली जैसे पढ़ रहा है इसको पढ़ के रखना चाहिए। इसमें एक दो डिजीज नीट के सिलेबस में नहीं हो सकता है लेकिन इस चीज हमारे जिंदगी भर काम में आएंगे क्योंकि ये जो हेल्थ एंड डिजीज में इंटरनेशनल ओलंपियाड में कोई सिलेबस के बियॉन्ड भी क्वेश्चन आता है ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आता है केवीपीवाई में बियॉन्ड द सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं एंड हमने देखा है एनटीएससी एंड नेट जीआरएफ में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड इवन इन यूपीएससी एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हेल्थ एंड डिजीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट। तो लेप्रोसी में आज हम लोग इतना पढ़े आपको एक पोर्शन पूरा लिख के रखिए और आपने जो डायस्कोरिया का मैंने जो बात की है इस डायस्कोरिया प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी आपको हमने पढ़ा चुका हूं प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। तो आज प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर में जाके इस डायस्कोरिया प्लांट्स का डिटेल्स और एक बार पढ़ लेना है सो दैट इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी आपको जानना है माय डियर स्टूडेंट। एंड विथ दिस हम लोग आज के क्लास खत्म करेंगे बट ड्यूरिंग दिस COVID-19 आपको हाथ धोना है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है गवर्नमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है एंड नीट एंड क्लीन रहना है एंड इम्यूनो बूस्टर फूड जो भी अवेलेबल है घर में आपका नींबू एंड अदर थिंग्स कैबेज ब्रैकोली एंड अदर्स इसको खाना है एंड इसी के साथ आज का क्लास को विराम देते हैं एंड हेल्थ एंड डिजीज का नेक्स्ट क्लास लेके हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे एंड विद दिस गुड नाइट एवरीबॉडी थैंक यू थैंक्स अ लॉट।